अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मुआशरे की खामियों को, सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। नाज़रीन, फिर एक बार अफजलगंज में ये देखने को मिला के किस तरह से हजरत जानुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के कब्रिस्तान को मिटाने की कोशिश की गई, और यहाँ पे बड़ा कब्रिस्तान था और इसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। यहीं के एक जिम्मेदार ने ये वीडियो ली थी और बड़ी तेजी से ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। नाज़रीन, हम बता दें कि किस तरह से मुसलसिल लापरवाही की जा रही है वक्फ बोर्ड की जानिब से, बड़ी अफसोस की बात है। चेयरमैन बदलते हैं लेकिन हालत वही है, और जितनी हालत इसकी बर्बाद करके गए थे मोहम्मद सलीम, हम सोचे थे कि मोहम्मद मसीहुल्लाह इसको कुछ हद तक संभालेंगे, लेकिन लगता है कि अब इनकी भी बस की बात ये नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं और वही कंट्रोल कर रहे हैं, शायद हमें ये लगता है। क्योंकि जिस तरह से वफ की तबाही हो रही है, इसे ये लगता है कि अब वफ की जायदादों को बचाना इतना आसान नहीं। जिस तरह से खबरों को मिटाया जा रहा है, जिस तरह से मस्जिदों को गिराया जा रहा है, इससे यही साफ जाहिर होता है कि ये सिर्फ ओहदे और ये महकमे सिर्फ नाम के हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं, और ना ही तो इनकी कोई औकात है केसीआर के सामने कोई काम करने की। क्योंकि जो अपने आप को मुस्लिम रहनुमा कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं लापरवाही का मुजाहरा करते हैं, और उनको भी कोई एहसास नहीं है मस्जिदों का, कब्रस्तानों का, वक्फ की जायदादों का। और यही वजह है कि इस तरह से मनमानी हुकूमत कर रही है, JHMC कर रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर रहा है, और यही वजह है कि एक के बाद एक इस तरह के हादसे हो रहे हैं। बहरहाल, हम उम्मीद करते हैं कि फौरन इस मसले पर तवज्जो दें, अवाम के सबर का इम्तिहान और ना ले, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। ये सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज के सामने का है साहब। ये पूरा कब्रिस्तान था, यहाँ पर जो ना सबों की तादाद में जो है ना यहाँ पर खबरें थी सब। ये पूरा जो है ना इसमें लोग पूरा बुलडोजर लगा के इसको साफ कर दिए। ये देख सकते हैं आप, पूरा जहाँ तक बोले वहाँ तक पूरा कोई चीज़ बाकी नहीं है। अब ये देखिए, ये पूरा ये दरगाह शरीफ है, ये पूरे खबरें थी। देखिए पूरा ये आज भी जो ना ये झाड़ के पास में खबर है, बाकी है ये पूरा इधर साइड में पूरे खबरें थे, ये पूरा तोड़ दिए। ये देखिए, ये पूरा कब्रिस्तान है। ये देखिए, ये पूरे ये खबरों के सिला देखिए, ये देखिए पूरे खबरें, ये देखिए पूरा जो है ना इसको पूरा 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 जो है ना इसको पूरा वो कर दिए। इसमें कौन कौन शामिल है क्या है पता नहीं, जो है ना ये दरगाह के मुतवल्ली जो है उन्होंने और कई लोग इसमें कुछ लीडर्स भी शामिल है बता रहे हैं, और जो है ना कुछ वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज़ भी है बता रहे हैं। इसमें कुछ खबर ही नहीं थे बोल के बता रहे हैं अभी तो मैं जो है ना सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। ये सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज के सामने का कब्रिस्तान है, और ये इतना कदीम कब्रिस्तान है, उसको जो है ना आज मुकम्मल तौर पर साफ़ कर रहे हैं लोग। देखिए ये काम भी चालू है अभी। अस्सलाम वालेकुम। बेकविल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर वन क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकविल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर वन है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता, सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी। बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।